स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। पंडित जी, हम जिग्नेश और तृप्ति की शादी जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। इसलिए कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकालिए। हाँ जी अवश्य। आज से 3 दिन के बाद का विवाह का मुहूर्त बहुत ही उत्तम है। से बात करने का ही अच्छा मौका है। धवल जी, अब बताइए ना, मैं इन दोनों सूट में से कौन सा सूट पहनूं? ये वाला या ये वाला? आपको जो ठीक लगे आप पहन लीजिए किंजल जी। धवल जी, बताइए ना, मैं कंफ्यूज हूं इसलिए तो आपसे पूछ रही हूं, किस ड्रेस में मैं ज्यादा सुंदर लगूंगी? मैं नहीं जानता किंजल जी, आप और आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अरे आपसे नहीं पूछूंगी तो फिर किससे पूछूंगी? उसी से जाके पूछिए ना। जिससे भी पूछ रहे हैं उससे पूछिए, पर मुझसे नहीं। हाशु, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है। अरे हमें मोदी भवन जाने में देरी हो रही है। भाई वो मैं बस यही सोच रही थी कि मैं कौन सा वाला सूट पहन। कोई भी पहन ले, कौन सी तेरी सगाई हो रही है। और वैसे भी एक बात बता, धवल तुम्हारा जा नहीं रहा है तो वहां तुझे कौन देखने बैठा है जो तू इतना परेशान हो रही है? चल जल्दी तैयार हो जा, देरी हो रही है। तृप्ति, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर गहने हैं। उमंग लगता है अपनी भाभी से बहुत प्रेम करता है, वरना कोई सगाई के शगुन की रस्म में इतने सारे सोने के जेवर देता है क्या? जय श्री कृष्ण। आइए। तूने जानने की कोशिश की कि ये छोकरा क्या करता है, मतलब बिजनेस करता है या नौकरी, और आखिर क्यों ये काकड़ी को उस भाभी की शादी करवाने की इतनी पड़ी है? मम्मी, मैंने काकड़ी से पूछने की बहुत कोशिश की थी लेकिन इसने मुंह तक नहीं खोला। अटली मोटी कलाकारनी दिगरी थी गई, पर एक नानी सी कलाकारी नहीं कर सकी। एक काम कर, किसी और को पूछने के बजाय जाकर उस छोकरे से ही पूछ। तृप्ति, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। चलिए ना, आप यहाँ क्यों खड़ी है, चलिए। किंजल दिख रहा, धवल कुमार नहीं आए? मोटी बहन, वैसे तो उसे आज कुछ खास काम नहीं था, पर पता नहीं क्यों नहीं आया। अब शायद उसका मन नहीं होगा। काकी, शायद फई को पता नहीं, पर धवल जी को लास्ट मोमेंट एक अर्जेंट कॉल आ गया, इसलिए उन्हें जाना पड़ा।
वैसे तो किंजल बहुत खुश लग रही है, पर तुम्हारी कमी कहीं उसे उदास ना कर दे, इसलिए तुम आ जाओ प्लीज, क्योंकि मैं किंजल को थोड़ा सा भी उदास नहीं देख सकता। जिग्नेश जी, वैसे आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं और आप काम क्या करते हैं? जी हम सूरत के रहने वाले हैं और हमारा डायमंड का बिजनेस है। ओह, नाइस। राशि, आज सगाई हो जाने दो, उसके बाद तो ये हमारे रिश्तेदारी बनने वाले हैं, फिर तो इनका हमारे घर आना जाना लगा ही रहेगा। उस समय तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न एक साथ पूछ लेना। अभी सगाई है तो शगुन की थाली जल्दी से लेकर आ जाओ। राशि भाभी, मैं भी आती हूँ। राशि भाभी, मैं अपना फोन टेबल पर ही रखती हूँ। उमंग तो कह रहा था कि किंजल जी मुझे मिस कर रही है, पर वो तो मेरा फोन तक नहीं उठा रहे। अब किंजल को पता ही नहीं चलेगा कि धवल ने उसे फोन किया है। दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। चिप्ति जी, अपना हाथ आगे कीजिए। कन्या वर को अंगूठी पहनाएगी। बेटा, ये हमारी तरफ से शगुन है तुम्हारे लिए। ये उमंग की तरफ से तृप्ति की सगाई के शगुन है। कुकला बेन, चांदला की रस्म में इतना सारा सामान देने की क्या जरूरत है? पर उमंग की खुशी की खातिर हम ये सब रख ही लेते हैं।
वैसे भी लगता है उमंग अपनी भाभी के लिए ज्यादा ही भावुक है। धवल जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण धवल जी। धवल, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे बुलाने पर आ गए। सच कहूं तो किंजल को मैं दुखी नहीं देख सकता, वो मेरे लिए बहुत खास है। पंडित जी, हम जिग्नेश और तृप्ति की शादी जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। इसलिए कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकालिए। हाँ जी अवश्य। आज से 3 दिन के बाद का विवाह का मुहूर्त बहुत ही उत्तम है। जी वो हम आप सबसे एक विनती करना चाहते थे। कहो तृप्ति, क्या बात है? वो हम चाहते हैं कि शादी बहुत सीधे और सरल तरीके से हो। हम बेवजह की रस्म वगैरह नहीं करना चाहते। जैसी तुम्हारी इच्छा तृप्ति। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, आज्ञा दीजिए। जैसी विवान जी, अब हमें भी निकलना चाहिए, आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण मधुबेन। जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।